नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। पूरे छत्तीसगढ़ की खबरें आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले राजधानी रायपुर से करेंगे। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का आज डोंगरगढ़ दौरा रहने वाला है, जहां आपको बता दें कि डोंगरगढ़ नगर में आज वो समीक्षा बैठक करेंगे, विभिन्न विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री, तो वहीं लोकार्पण भी करेंगे। इंदिरा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बताया जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल ने सी मार्ट का भी यहां पर लोकार्पण वो करेंगे और दोपहर 12 बजे खुज्जी विधानसभा में ग्रामीणों के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। छुरिया के खुज्जी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बता दें कि आज डोंगरगढ़ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जहां बताया जा रहा है कि कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बता दें कि डोंगरगढ़ नगर में आज समीक्षा बैठक करेंगे और फिर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है, नेहा का रुख करते हैं। नेहा, बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का आज डोंगरगढ़ नगर में दौरा है और बताया जा रहा है कि कई समीक्षा बैठक करेंगे, विकास कार्यों की भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले उनके दौरे को लेकर के किस तरह से तैयारी वहां पर देखी जा रही है और क्या कुछ पूरा शेड्यूल आज उनका रहने वाला है, जानकारी आपसे चाहेंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के पूरे शेड्यूल की बात करते हैं तो वे डोंगरगढ़ के दौरे पर हैं और आज उनका दूसरा दिन है। दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने जो है वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया और आज उसी के तहत समीक्षा बैठक रखी गई है। सुबह 10 बजे समीक्षा बैठक होगी, वे तमाम अधिकारियों से मिलकर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जो शिकायतें प्राप्त हुई है उस संबंध में अधिकारियों की वो बैठक जो है वो लेंगे। इसके अलावा डोंगरगढ़ वासियों को जो है विभिन्न विकास कार्यों की सौगात, लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य भी जो है वो समीक्षा बैठक के ठीक बाद होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। वहीं स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मूर्ति का अनावरण भी सीएम बघेल के हाथों होना है और सी मार्ट का लोकार्पण भी जो है वो सीएम बघेल जो है वो डोंगरगढ़ में करते नजर आएंगे। वहीं ये डोंगरगढ़ का कार्यक्रम हो गया। उनके अगले कार्यक्रम की हम बात करते हैं तो आज खुज्जी विधानसभा क्षेत्र का उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम रहेगा। तो डोंगरगढ़ के बाद सीधे ग्राम छुरिया के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के लिए वे रवाना हो जाएंगे। दोपहर 12 बजे से भेंट मुलाकात कार्यक्रम यहां पर शुरू होगा और ठीक उसी के बाद जो है वो उनका अगला जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो जो है वो भी आज ही यहाँ पर रखा गया है। और इस तरीके से आज दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो है वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। दूसरा जो ग्राम है वो चिलमाटी ग्राम में ही उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम दोपहर 3 बजे का रहेगा। तो ये दोनों जो है जगह आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो है सीएम बघेल अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे, वहाँ जनप्रतिनिधियों मंडल से जो है वो भेंट मुलाकात भी करेंगे और आज रात वो वहीं जो है वो रुकेंगे। ठीक है, ठीक है, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, जानकारी पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोंगरगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां कई विभिन्न विकास कार्यों का वो शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। तो वहीं आप ये भी बता दें कि इंदिरा गांधी जी की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। खबर रायपुर से, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस आज कर सकती है उम्मीदवार की घोषणा। बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के अब हलचल जो है वो तेज होती जा रही है और बताया जा रहा है, बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस आज अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस से सावित्री मंडावी वीरेश ठाकुर की दावेदारी सबसे मजबूत यहां पर मानी जा रही है। बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को अपना उम्मीदवार बनाया है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए 17 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख दी गई है। बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और वहीं 8 दिसंबर को भानु प्रतापपुर उपचुनाव की गिनती की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपके सामने, कांग्रेस आज अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस भी आज अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं वीरेश ठाकुर और
सावित्री मंडावी, ये सबसे मजबूत दावेदार यहाँ माने जा रहे हैं, जिनको जिनके नाम पर कांग्रेस मुहर लगा सकती है। हालांकि अभी ऐलान नहीं किया गया है, बताया जा रहा है कि आज कांग्रेस अपने उम्मीदवार की ऐलान यहाँ कर सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है, नेहा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नेहा, बताया जा रहा है भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस की तरफ से आज उनके उम्मीदवार की घोषणा यहाँ पर की जा सकती है, कितनी संभावना, कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए बिल्कुल, भानुप्रतापपुर उपचुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है, उसके ठीक बाद से अब कांग्रेस भी पूरी तैयारी में है। खासतौर से 2 दिन पहले ही प्रत्याशी घोषित के नाम से जो है वो महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, जिसमें सबसे ऊपर जो नामों का जो पैनल है वो हाईकमान के पास भेज दिया गया है और अब पूरी तरह से हाईकमान इस पर फैसला लेगा। हालांकि 2 नाम सामने आए हैं जो मजबूत दावेदारी के रूप में कांग्रेस पार्टी जो है वो ऐलान कर सकती है। इसमें जो है सावित्री मंडावी और जो है दूसरा नाम है वो बिरेश ठाकुर, इन दोनों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। इन दोनों में से किसी भी एक प्रत्याशी का ऐलान आज लगभग जो है वो हो सकता है, आज इस पर जो है वो मुहर लग सकती है। और सबकी निगाहें हैं, कांग्रेस ने सबसे पहले जो है वो 9 नामों का पैनल तैयार किया था और उसके बाद जो है 9 जो वरिष्ठ नेता हैं उनके नाम यहाँ पर जो है वो सामने आए थे और उसके बाद से अब जो है इन दोनों नामों में सबसे ज़्यादा दमदारी जो है वो मानी जा रही है। इसको लेकर के अब यहाँ पर लगभग जो है लोगों की कयास भी लगाए हुए हैं, क्योंकि विपक्ष ने अपने जो है वरिष्ठ नेता ब्रह्मानंद नेताम का नाम का जो ऐलान है वो कर दिया है। 5 दिसंबर को चुनाव होने हैं, 17 नवंबर को नामांकन की जो है वो अंतिम तिथि है। तो ऐसे में आज हर हाल में जो है वो कांग्रेस को अपने नाम का ऐलान आज के डेट में यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। यानी कि मजबूत दावेदारी के रूप में सावित्री मंडावी, जो कि इसी भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट से जो है स्वर्गीय मनोज मंडावी रहे हैं, उन्हीं की ये धर्मपत्नी हैं सावित्री मंडावी, जो कि चुनाव में खड़ी होगी। उन्होंने खुद ही जो है इस पूरे चुनाव को लेकर के अपनी सक्रियता दिखाई थी और उन्होंने जो है पहले वह गवर्नमेंट जॉब में थी, उन्होंने इस चुनाव के ठीक पहले ही जो है उस गवर्नमेंट जॉब से जो है वो रिटायर लिया है और उसके बाद उसके रिटायरमेंट के बाद से ही जो है वो इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि सावित्री मंडावी हर हाल में जो है वो चुनाव लड़ेंगी और अब लगभग उनका नाम यहाँ पर जो है वो तय माना जा रहा है। फिलहाल इसी के ऑपोजिशन में देखा जाए तो एक वरिष्ठ नेता है बिरेश ठाकुर है, उनके भी नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो हालांकि ये देखने वाली बात होगी, जैसे ही जो है वो प्रत्याशियों के नाम हाईकमान द्वारा जो मुहर लगती है, हालांकि ये पूरी तरह से देखने वाली बात है। फिलहाल इन दोनों के नाम जो है वो मजबूत दावेदारी बिल्कुल दोनों के नाम जो है बिल्कुल मजबूत दावेदारों के माने जा रहे हैं और अब देखना होगा कि कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार किससे चुनती है और किससे इस चुनावी मैदान में उतारती है। तमाम जानकारी साझा किया, इसके लिए धन्यवाद। आप बने रहिए, हम आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने पर सीएम बघेल का बयान सामने निकल कर आया है। बीजेपी इंतजार कर रही थी लेकिन उन्होंने जारी कर दिया, बहुत जल्द कांग्रेस की नाम की घोषणा हो जाएगी, ये चुनाव मतदाता तय करते हैं। 4 साल की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाएंगे, भानु प्रतापपुर बचाने में। ये तो चुनाव है और मतदाता तय करते हैं और हम लोग अपनी सरकार के 4 साल की उपलब्धि लेके जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर जो हमारी सीट है उसे हम बचाने में सफल होंगे। खबर रायपुर से है, जहां आपको बता दें कि युवा कांग्रेस की बैठक आज होने जा रही है। दोपहर 1 बजे युवा कांग्रेस की ये बड़ी बैठक होगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वहीं भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह के आयोजन को लेकर के भी यहां पर चर्चा की जाएगी। 21 नवम्बर को भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह होने वाला है और यही रायपुर के इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट इस वक्त की, युवा कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है, नेहा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नेहा, बताया जा रहा है युवा कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने जा रही है दोपहर 1 बजे, खबर को लेकर क्या कुछ और जानकारियां, कितना महत्वपूर्ण है ये बैठक?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देश भर में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जो है ये यात्रा निकाली जाएगी। और खास तौर से इस भारत जोड़ो यात्रा में जो छत्तीसगढ़ में निकलने वाली है उसमें युवा कांग्रेस की भागीदारी देखी जाएगी। इसको लेकर के ही आज एक महत्वपूर्ण बैठक युवा कांग्रेस की रखी गई है। पूरे प्रदेश भर से जो युवा कांग्रेस है वो इसमें शामिल होंगे, हजारों की तादाद में लोग होंगे। और इस यात्रा को कराने का सबसे जो मकसद है वो यही है कि जो देश भर में भारत जोड़ो यात्रा करके जो संदेश दिया जा रहा है, एकता का जो सूत्र में पिरोने का जो संदेश दिया जा रहा है, वही छत्तीसगढ़ में भी जो है इस तरीके का संदेश उस यात्रा के माध्यम से दिया जाएगा। इसको लेकर के युवा कांग्रेस काफी पहले से सक्रियता नजर आ रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी इनका यात्रा करने का जो है वो संकल्प इन्होंने लिया है। और इसी के तहत एक बड़ा कार्यक्रम इंडोर स्टेडियम में रखा जाएगा और इसमें जो है वो हजारों युवा शामिल होंगे। तो इसी को लेकर के आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा जो कि वो ये बैठक लेंगे और तमाम प्रदेश भर से जो युवा कांग्रेस से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। तो एक बड़ी जानकारी है। और इस तरीके से ये जो बैठक है 1 बजे राजीव भवन में होगी और ये संकल्प यात्रा के तौर पर जो है वो देखा जाएगा। और वहीं पर इस तरीके की जानकारी भी है कि ये युवा कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ये यात्रा पूरे विधानसभा क्षेत्रों में निकालेगी और युवाओं को संदेश देने का प्रयास करेगी। युवा ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों को इस यात्रा से जोड़ने का प्रयास भी युवा कांग्रेस कर रही है। तो एक बड़े स्तर पर इस यात्रा की तैयारियों को लेकर के आज जो है एक महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक में फिलहाल आगे की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। जी ठीक है नेहा, ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर रायपुर से है जहां आपको बता दें कि पेंशनर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। बता दें कि पेंशनर्स को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा 1 अक्टूबर से ये लागू। माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि अब ये जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। IAS और राज्य सरकार कर्मचारियों का एक समान भत्ता हुआ है, वित्त विभाग ने इससे जारी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। आप बता दें कि पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा यहां दिया गया है। तो खबर रायपुर से है जहां आपको बता दें कि सर्व आदिवासी समाज का एक बड़ा ऐलान सामने निकल कर आ रहा है। मांग पूरी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन, ये ऐलान उनके तरफ से किया गया है। 20 से 25 लाख आदिवासी रायपुर पहुंचेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार की नीयत पर हमें भरोसा नहीं है, ये आदिवासी समाज की तरफ से ये कहा गया है, ये बयान उनके तरफ से दिया गया है। और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, ये भी उनके तरफ से कहा जा रहा है। तो रायपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां आप बता दें कि सर्व आदिवासी समाज का ये बड़ा ऐलान सामने निकल कर आ रहा है। उनका कहना है कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। 20 से 25 लाख आदिवासी रायपुर पहुंचेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदेश भर में मंगलवार को प्रदर्शन किया। वहीं चक्का जाम की वजह से लोग जो है वो परेशान यहां पर दिखे। तो देखिए ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चक्का जाम की वजह से लोगों को यहां भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये आदिवासी आरक्षण पर सड़क पर संग्राम यहां देखने को मिल रहा है, ये आदिवासियों का आरक्षण आंदोलन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आदिवासी समाज की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है और ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर अब सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 20 से 25 लाख आदिवासी जो है वो रायपुर पहुंचेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे।
तो आदिवासियों का ये प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। आरक्षण को लेकर के उनका ये प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ आपको बता दें कि अलग अलग जिलों में उन्होंने चक्का जाम कर अपना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो वो बहुत बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन भी आगे कर सकते हैं। 20 से 25 लाख आदिवासी जो है वो रायपुर पहुंचेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। अंबिकापुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित किया। भागवत ने कहा कि संघ को किसी भी प्रकार की लोकप्रियता नहीं चाहिए, संघ को बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि संगठित समाज बनाया जा सके। विविधता में एकता वाली संस्कृति को जीना चाहता है, उसके लिए प्रयास करता है, वो पूजा किसी की करे या न करे, भाषा कोई बोले, खान पान रीति रिवाज कोई हो, वेशभूषा कोई हो, विचारधारा कोई हो, लेकिन वो सब हिंदू है, क्योंकि एकमात्र हिंदुत्व नाम का विचार दुनिया में ऐसा है जो विविधताओं को एक करना संभव है मानता है। उसने इन सब विविधताओं को हजारों वर्षों से भारत की इस भूमि में एक साथ चलाया है, और इसलिए वो देखता अलग अलग है लेकिन होता एक ही है। यही हमारा भारत है। उस भारत को बड़ा करने के लिए संघ का काम है, उसके स्वयंसेवक कार्यकर्ता बनकर आप लोग काम कीजिए। राजनांदगांव में सीएम बघेल ने घूमका गांव के लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुलाकात की, और इस दौरान उन्होंने घूमका को नगर पंचायत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और पूर्ण तहसील की सौगात दी। साथ ही बघेरा गांव में सहकारी केंद्रीय बैंक खोलने की भी घोषणा की गई। सीएम ने 44,56,44,000 की विकास कार्यो का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, और साथ ही लाभार्थियों को सामान सौंपा। और वहीं गोपालपुर घूमका बिरेजर स्कूल को स्मार्ट टीवी की सौगात दी। सीएम ने सुपोषण किट का भी यहां पर वितरण किया, और इस मौके पर उन्होंने वीरांगना रानी अवंतीबाई प्रतिमा का भी लोकार्पण किया। आपको ये बता दें कि सीएम ने ये बताया है कि धान खरीदी के साथ ही रागी कुटकी कोदो को समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, और वहीं हाट बाजार क्लिनिक स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है। उन्होंने भूमिहीन किसानों से सरकारी योजना का लाभ उठाने की भी अपील की है, वहीं जनता की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। अब का धुआं है, कहां से थी वो पहले जला है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट तक कहा थे यहाँ के प्रदूषण लग कम किया जाए, पराली हम अनपरा के धन पराली के थे, वो मत जलाओ, और वो मत जलाओ पर कहीं थे, लेकिन व्यवस्था कहीं नहीं है। हम का व्यवस्था करें, गौठान बनाए हैं, है ना। राजनांदगांव दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। आपको बता दें कि बेलगांव में बीच रास्ते में सीएम का काफिला यहां पर रुका। स्कूली बच्चों और ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की, स्कूली बच्चों से पढ़ाई को लेकर के भी बातचीत की। तो यही अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर रमन सिंह ने कहा है कि कोर्ट की टिप्पणी देश की भावनाओं का इजहार है, एक बार धर्म बदल लेने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं सीएम ने कहा कि जाति को आप बदल नहीं सकते, लोकतंत्र में धर्म चुनने का अधिकार सभी को है, जबरन धर्मांतरण मामले में कानून है, शिकायत पर कार्रवाई होगी। आज पूरी के परिवर्तन आ गया, जब उन्होंने धर्मांतरण कर लिया तो
मुझे लगता है कि फिर उसका औचित्य नहीं रहता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ कि एक बार यदि जाति बदल दिया तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। जाति है वो बाई बार है, उसको आप बदल नहीं सकते, आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उसको बदल नहीं सकते, लेकिन धर्म चुनने का अधिकार सबको है। और पहले तो जब राजतंत्र था तो राजा का दंड भी होता था, सिक्का होता था, उसका धर्म होता था, सब लोग मानते थे। प्रजातंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रायपुर की, जहां धर्मांतरण पर मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, अमरजीत भगत किसी का जोर नहीं रहना चाहिए। माफ कीजिएगा, अमरजीत भगत की तरफ से कहा गया है कि किसी का भी यहां पर जोर नहीं रहना चाहिए, भारतीय संविधान अनुमति देता है। तो धर्मांतरण मामले पर देखिए अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान ये इसका अनुमति देता है इसके लिए, और धर्म चुनने का अधिकार सभी को है। तो धर्मांतरण पर मंत्री अमरजीत भगत का ये बयान सामने आया है। आदिवासियों का रीति रिवाज, आदिवासियों का जीवन शैली, कहीं से भी आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाता है। तो सबको अपना अपना धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने अपने पसंद के अनुसार अपने पूजा विधि को लोग अपना सकते हैं, उसमें किसी का जोर नहीं रहना चाहिए। और हमको तो भारतीय संविधान भी इसका अनुमति देता है कि अपने इच्छा के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार जो उनके इष्ट देव है और जो उनका पूजा विधि है वो मान सकते हैं। तो रायपुर में सीएम बघेल ने पेट्रोल और डीजल को लेकर जीएसटी के दायरे में लाने पर कहा कि केंद्र ने टैक्स में राज्य के हिस्सा देना बंद कर दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने के बावजूद तेल के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाने पर कहा कि 4 साल की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि गुजरात की तर्ज पर बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी टिकट काटेगी। आम जनता को तकलीफ ही हो रही है और बल्कि उसमें सेस लगा दिया है, तो राज्यों को जो हिस्सा मिलता था वो भी बंद कर दिया उन्होंने, वो केवल सेंटर के पास जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसमें केंद्र को भी मिलता है, राज्य भी मिलता है, लेकिन यदि सेस लगा दिए हैं तो वो केवल भारत सरकार को मिल रहा है और राज्यों को उससे नुकसान हो रहा है। तो यदि इस प्रकार से कोई कर रहे हैं और कीमतें घटती है तो कीमतें घटे तो उसका स्वागत सब कोई करेगा, लेकिन आज तो देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कम होता है लेकिन यहाँ रेट बढ़ते जा रहा है। देखिए, ये तो चुनाव हैं और मतदाता तय करते हैं, और हम लोग अपनी सरकार के 4 साल की उपलब्धि लेके जनता के बीच में जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि भानु प्रतापपुर जो हमारी सीट है उसे हम बचाने में सफल होंगे। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।